छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म निरपेक्ष व कल्याणकारी विचारधारा आज भी प्रासंगिक होने का विचार शिव व्याख्याता कुमार मयूर दादा बोरेकर ने सावनेर तहसील स्थित बड़े गांव में आयोजित शिव जयंती कार्यक्रम में रखे। बड़े गांव के शिव छत्रपति फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का बस स्टॉप चौक में संध्या 6:30 बजे शिव व्याख्यान कार्यक्रम का शुभारम्भ सरपंच श्रीमती ज्योति चौधरी द्वारा किया गया। बतौर अतिथि के तौर पर सावनेर पंचायत समिति सदस्य श्रीमती भावना चिखली, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतन नन्हे, लोकमान्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री गजानन कुरवाड़े आदि उपस्थित थे। शिव व्याख्याता कुमार बोरेकर द्वारा शिवाजी महाराज की जीवनी के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव प्रेमी एवं ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफलतार्थ गौरव बगेकर, प्रवीण राउत, राहुल कोठे आदि ने प्रयास किया। अशी इच्छा प्रत्येकाच्या मनात उर्मी महाराजांनी पेरली ना, तर एक शाळेतील एक 10-12 वर्षाचा पोर शेतकऱ्याच्या बांधावर शेतीच्या बांधावर उभा होता आणि समोरून त्याला 2-4 घोडेस्वारांची टोळी येताना दिसली, हे नक्कीच आपल्या स्वराज्याला उपद्रव करायला आली आहे, हे राजांनी उभा केलेल्या स्वराज्याला हे काहीतरी उपद्रव करायला आली आहे, यांना आपण रोखलं पाहिजे, यांना आपण थांबवलं पाहिजे, म्हणून त्या पोरांनी त्या घोडेस्वारांच्या पुढे धाव घेतली आणि घोडेस्वारांच्या पुढे उभा टाकून त्या पोरग त्यांना म्हणाला। NBC News के लिए खापा से डॉक्टर चंदू ठवरे की रिपोर्ट।